किशनगढ़ बात महिला को जाल में फंसाकर कई लोगों द्वारा अलग अलग बार दुष्कर्म का मामले में थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को पीड़ित महिला का सरकारी अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का कस्बे के सरकारी अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया गया। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कल दिनांक 17/10/19 को सायकालीन एक रामगढ़ निवासी महिला ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की। उसमें उसने रिपोर्ट में बताया कि उसके पति भारतीय सेना में कार्य करते थे, 2012 में शहीद हो गए थे। उसके बाद में उनके जो फंड के पैसे थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी उन्हें कुछ उन्होंने 6 नाम बताए हैं। वो 2012 से लेकर 2019 तक अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उसको अलग अलग धोखे में रखे, अलग अलग समय पर उसका देह शोषण किया गया और जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने अपने नाम करवा लिया या उसको किसी दूसरे को बेच दिया। इस तरीके से महिला की प्रॉपर्टी के को उन्होंने हड़प लिया और महिला का देह शोषण उनके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय पे किया गया। इस तरीके की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज सुबह महिला का मेडिकल करवा दिया गया है और इन अपराधियों के जो 6 लोग इन्होंने बताए हैं इनकी धरपकड़ के लिए एक टीम गठित करके रवाना कर दी गई है। श्रीमान SP साहब और श्रीमान एडिशनल साहब के आदेश हैं, इसमें तत्कालीन रूप से जांच करके तुरंत इसमें मुलजिम गिरफ्तारी के लिए उन्हीं आदेशों के अधीन थाना स्तर पर विशेष टीम बना के इस कार्य के लिए लगा दी गई है। अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसमें कुछ और भी तथ्य निकल के आ रहे हैं, सभी तथ्यों पर अपन जांच करेंगे। इनिशियली हमने एक टीम बना के रवाना कर रखी है, जल्द ही इसमें मुलजिम गिरफ्तार कर लीजिए।